ये रहा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अभिषेक भट्टाचार्य और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में और यहाँ के कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जिससे आप पहले से ही अपना जगह का चुनाव कर सकते हैं, आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे। तो आइए नंबर वन से शुरू करते हैं। ये है बस्तर पैलेस। बस्तर पैलेस छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के जगदलपुर सिटी में आपको ये देखने को मिलेगी। ये छत्तीसगढ़ का टॉप रैंक टूरिस्ट प्लेस हम इसको मान सकते हैं। तो ये वहाँ के राजा के द्वारा ये बनाया गया था। यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के कारण यहाँ हर साल हज़ारों पर्यटक यहाँ पे घूमने आते हैं और यहाँ का लुत्फ़ उठाते हैं। तो यहाँ के दीवारों में, ये जो पैलेस है, यहाँ के दीवारों में ऐतिहासिक चित्रकलाएँ आपको देखने को मिल जाएंगी और यहाँ के जितने भी ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं, ये बहुत सारी चीज़ों का वहाँ वर्णन करते हैं। इतिहास के दौरान वहाँ पे क्या क्या घटित हुआ है, उस चीज़ों का वर्णन करते हैं। और एक बड़ा सा यहाँ सिग्निफिकेंट चीज़ है, वहाँ का गार्डन है जिसे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है वहाँ के सरकार के द्वारा। बाकी जगदलपुर में आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ आप घूम सकते हो। नंबर टू में आता है तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये जगदलपुर से 35 किलोमीटर दूरी पे आता है, 35 किलोमीटर्स ओनली। यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ का वाटरफॉल है जो कि मूंगा बहार नदी का स्रोत है। ये वाटरफॉल 300 फीट ऊंचाई का है जो कि एक अद्भुत नज़ारा होता है जब ये पानी ऊपर से नीचे गिरता है। यहाँ पे पूरा साल सैलानियों का आवागमन रहता ही है, पर बरसात के मौसम में इसका नज़ारा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो आपको अगर ज़्यादा लुत्फ़ उठानी हो यहाँ का, तो बरसात के मौसम में आप आ सकते हो यहाँ पे। तो लेकिन आप साल के किसी भी महीने में आप यहाँ पे आके इसका नज़ारा आप उठा सकते हो। आज से हज़ारों साल पहले आए हुए भूमिकंप ने इसके जो निचले हिस्से को एक वैली जैसा आकार बना दिया है। इसके पत्थरों का डिज़ाइन कुछ ऐसा बना है कि सैलानियों के लिए मुख्यतः ये आकर्षित रहता है। बाकी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपको घूमने फिरने में, ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे बसेस या तो कार्स, कैब वगैरह आपको आसानी से मिल जाएंगी, आप जहाँ जाना चाहोगे। तो इस नज़रिए से ये बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ के मैं बताना चाहूँगा, यहाँ के लोग भी बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बहुत ही मतलब हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से घुल मिल सकते हैं यहाँ के लोगों के साथ, और यहाँ के बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं यहाँ के लोग, और यहाँ का बर्ताव भी बहुत ही बेहतरीन होता है। इस हिसाब से आप यहाँ पर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नंबर थ्री में हम लाए हैं बरनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि महासमुंद ज़िले में आता है और महासमुंद सिटी से 45 किलोमीटर दूरी पे और रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। ये सेंचुरी 1976 में ये बनवाया गया था। ये लगभग 245 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको बाघ, चीता, अजगर, शाही हिरण आदि वन्य प्राणी देखने को मिलेंगी। जब आप कीचड़ भरे रास्तों से और आगे थोड़ा जाएंगे तो आपको बंदर, फिर पैरट, फिर ब्लैक बर्ड्स और हिरणों के चिल्लाने की आवाज़ें भी आपको आपके ध्यान को आकर्षित करेंगी। हम आपको बता दें, सेंचुरी का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है 7:00 से शाम के 6:00 तक। नंबर फोर में आता है कुतुबसार गुफा, जो कि तीरथगढ़ के पास घने जंगलों के बीच है। ये गुफा जगदलपुर सिटी से लगभग 40 किलोमीटर्स की दूरी पे ये आती है, जो कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कैव है। यहाँ पे आपको 2 किलोमीटर तक ही जाने की अनुमति है इस गुफा में, क्योंकि इसके बाद ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जहाँ की सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल का भी लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा, तो इस तैयारी से आप आ सकते हैं। नंबर फाइव में आता है दंतेवाड़ा। ये एक ज़िला है। यहाँ पे आपको बहुत से टूरिस्ट प्लेस मिल जाएंगी। यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, दंतेश्वरी मंदिर, जो सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का कारण है। दंतेश्वरी मंदिर के साथ साथ
दंतेवाड़ा में और बहुत सी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। किरंदुल सिटी है, बेलाडीला सिटी है, जिसे आकाश नगरी भी कहते हैं, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है। यहां पे आप कहीं पे भी ठहर लीजिए, आपको एक अलग चीज़ ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत भरपूर आपको मिलेंगी। बाकी NMDC प्रोजेक्ट भी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है, तो यहाँ पे भी आप घूम के देख सकते हैं ये वाला प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। तो इनमें से कौन सी जगह आप पहले घूम चुके हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा।